हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी टुडे आई विल डिस्कस रोड सेफ्टी लेक्चर नंबर टेन चैप्टर थर्ड इंफॉर्मेटरी रोड साइन लेट्स डिस्कस वन बाय वन चैप्टर थर्ड है आपका इंफॉर्मेटरी रोड साइन यानी सड़क पर सूचना आपको जो दे यानी सूचनात्मक सड़क चिन्ह दिस साइन आर मीन टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डायरेक्शन डेस्टिनेशन रोड साइड फैसिलिटी रोड यूजर यानी जो भी रोड इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी रास्ते अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन और रोड साइड पर मिलने वाली फैसिलिटी मान लीजिए किसी को ज़्यादा दूर तक जाना है तो रोड पर उसकी गाड़ी ख़राब भी हो सकती है उसे भूख भी लग सकती है उसे मेडिकल हॉस्पिटल होटल इन सब की आवश्यकता पड़ सकती है तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने की इंफॉर्मेशन हमको दिया जाता है एक ट्रैफिक साइन द्वारा बेसिकली ये जितने भी साइन है वो इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं यानी जिस भी बोर्ड को हम देखेंगे वो अक्सर ब्लू कलर का ही होगा तो जो भी ब्लू कलर के बोर्ड होते हैं वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सर्किल में क्या होता है ऑर्डर किया जाता है ऑर्डर दिया गया होता है और एक ट्रिएंगल होता है ट्रिएंगल शेप में लाल बॉर्डर से बनाया जाता है सर्किल भी बनाया जाता है लाल बॉर्डर से तो जब सर्किल बनाया जाता है रेड बॉर्डर से तो उसमें इन ऑर्डर दिया जाता है और जब ट्रैंगल शेप में रेड बॉर्डर द्वारा बनाया जाता है तो उसमें वार्निंग होता है और जब रेक्टेंगल से में होता है और वो उसका कलर ब्लू होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सक करते हैं ये देख लीजिए इतने सारे शेप्स हैं जो भी इन्फॉर्मेशन देख दे रहे हैं जैसे ये इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल का है ये प्राथमिक उपचार केंद्र का है ये आपका भोजन स्थान का है टी कॉफी विश्रामाल है तो इस तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये सारे जो भी साइंस है एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं देखिए सभी ब्लू कलर में है और रेक्टेंगल शेप में है ये कुछ चीज़ें सभी में एक अपवाद जिसे कहते हैं एक्सेप्शन होता है वो ये है ये आपको क्या करता है अग्रिम मार्गदर्शक यानी आगे का रास्ता चिन्ह बताता है कैसा है किस डायरेक्शन में आपको जाना है किस डायरेक्शन में कौन सा शहर है आमतौर पर ग्रीन कलर में इस्तेमाल किया जाता है तो एक एक करके हम इस सभी को डिस्कस करेंगे जैसे लास्ट में पिछले लेक्चर में हमने सभी को डिस्कस किया वैसे ही फर्स्ट टॉपिक है एडवांस डायरेक्शन साइन यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों की दिशा को दर्शाता है आमतौर पर यह चौराहे से पहले चिन्ह लगाए जाते हैं बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो कौन सा शहर आपको जिस शहर कौन सा शहर आएगा तो इससे सामने वाले को यदि नए व्यक्ति है जो उस रूट में नया आ रहा है उसको इस इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है क्योंकि उसे अपना डेस्टिनेशन पता है कि हमको कहाँ जाना है तो उसे ये भी पता होगा जहाँ जाना है वो किस किस रास्ते से होकर जाना है यानी हमारे रास्ते में कौन कौन से शहर आएंगे तो यहाँ पे आगे आने वाले शहरों का नाम लिखा रहता है इससे ड्राइवर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमारा डायरेक्शन कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटेड रोट इंस्ट्रक्शन यानी गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य चिन्ह यह अग्रिम चिन्ह ये पूर्व में स्थापित किए जाते हैं यानी कि गोल चक्कर आने से पहले जितने भी बोर्ड होते हैं आमतौर पर वो जो डेस्टिनेशन उस पर मेंशन रहता है वो आने से पहले होता है सौ मीटर डेढ़ सौ मीटर पचास मीटर की दूरी से पहले ही ऐसे बोर्ड लगे होते हैं ताकि आपको पहले ही जानकारी मिल जाए कि आगे क्या है और कैसे किस रूट से हमको जाना है दिस एडवांस साइन इज इरेक्टेड बिफोर द इंटरसेक्शन इंडिकेटिंग द बाय बाई यानी आपके डेस्टिनेशन आपकी मंजिल को ये दर्शाता है कि आपकी मंजिल किस डायरेक्शन में है किस रास्ते से आप जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डिस्टेंस यानी दूरी भी उस पर मैंशन किया रहेगा और डायरेक्शन भी मैंशन किया रहेगा और उस शहर का नाम भी मैंशन किया रहेगा और वो भी एडवांस में यानी उसके आने से बहुत बहुत पहले से 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो इस तरह से ये साइन आपको ये भी रेक्टेंगली शेप में है जैसे चंडीगढ़ 25 किलोमीटर सीधे आपको जाना पड़ेगा शिमला आपको राइट टर्न होकर जाना पड़ेगा 105 किलोमीटर की दूरी पर है जलंधर पचासी किलोमीटर की दूरी पर है लेफ़्ट टर्न करके जाना पड़ेगा तो यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है आमतौर पर चौराहों से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं ताकि डायरेक्शन को आप सही डायरेक्शन में जा सकें नेक्स्ट पॉइंट है दिशा चिन्ह यानी डायरेक्शन साइन ये डायरेक्शन साइन आमतौर पर एरो से इस्तेमाल किया जाता है जैसे यहाँ पर नागपुर ये इस साइड की तरफ है यानी ये जिधर तीर का निशान बना हुआ है उस साइड हमको जाना है ये तो बहुत आसान है सबको पता होता है आमतौर पर सभी देखे होंगे जो भी रोड पर पर चलते हैं यह इस पर लिखे एक गंतव्य स्थान की दिशा और दूरी को दर्शाता है यह चिन्ह बोर्ड ड्राइवर ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है इसलिए यह उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है तो इस तरह के साइन उनको पता चल जाता है गाड़ी में तेल भी पड़ता है तो इस वजह से तेल एक डिस्टेंस के बराबर बात खत्म हो जाते हैं तो आमतौर पर हाईवे तो पेट्रोल हाई तो पंप तो रहते ही हैं लेकिन उनको पता चल जाता है कि दस किलोमीटर जाना है तो हमारे गाड़ी में कितना डीजल लगेगा कितना तेल लगेगा ये एक उनको जानकारी मिल जाती है नेक्स्ट पॉइंट है कन्फर्मेट्री साइन दिस साइन एज द ड्राइवर डेट ही इज़ On right path and also tell the distance of the place written on it। यानी ये चिन्ह ड्राइवर को अस्वस्थ कर देता है कि वो सही रास्ते में है सही डायरेक्शन में है और उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी को दर्शाता है यानी कि इस तरह का बोर्ड इसे उसे दिखता है तो हाँ उसके यकीन हो जाता है कि हम सही डायरेक्शन में कोई गलती से तो हम दूसरे डायरेक्शन में तुम नहीं मुड़ गए तो जब इसको ये बोर्ड दिख जाए तो वो समझ जाता है कि हाँ स्वस्थ हो जाता है कि हम एकदम सही डायरेक्शन पे सही रास्ते पे चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन दिस साइन आइडेंटिफाई द एरिया दिस साइन टेल दैट द लिमिट ऑफ द पार्टिकुलर एरिया हैज स्टार्टेड दिस साइन इज इलस्ट्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे ये चिन्ह आपको यह दर्शाता है क्षेत्र की पहचान दिला देगा कौन सा क्षेत्र आने वाला है यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है हाँ बता देगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में हैं इस जिले में हैं इस शहर में हैं ठीक है ठीके? ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है तो इस तरह की ब्लू कलर के रेक्टेंगल होंगे या स्क्वायर उसमें उस शहर उस का नाम होगा जैसे मान लीजिए यदि उत्तर प्रदेश लिखा होता तो आप उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं या फिर मुंबई लिखा है तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है ठीक है मुंबई बहुत बड़ा शहर है उसमें भी छोटे छोटे जगह हैं नाम हुए अलग अलग लेकिन मुंबई एक पूरा एक एक तरह से समझ लीजिए जिला है यानी कि उस क्षेत्र यहाँ पे दिखते के साथ ही पता चल जाएगा कि आप उस क्षेत्र में एंट्री करने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप से यह चिन्ह लगाया जाता है यानी स्पष्ट शब्दों के बोर्ड पर लिखा रहता है कि आपका स्वागत इस शहर में है ठीक है शहर का नाम लिखा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल पंप दिस इंफॉर्मेशन साइन इंडिकेट दोलेंस इज ऑल्सो इंडिकेटेड ऑन दिस साइन विच गिवस एन आइडिया अबाउट लोकेशन ऑफ द पेट्रोल पंप फ्रॉम द साइन पोस्ट ये साइन आपको रेक्टेंगल में ब्लू कलर में पंप का जिससे पे डीजल पेट्रोल भरते हैं उसका साइन इस पे बना हुआ है यानी यह स्पष्ट रूप से बताता है कि सामने कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप है किसी किसी कंडीशन में सिर्फ ए सब बना देते हैं किसी किसी कंडीशन में यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देता है यहाँ पे लिख देगा कि दो किलोमीटर तीन किलोमीटर यानी कि आप इस बोर्ड को देखें जहाँ पे उसे दो किलोमीटर या एक किलोमीटर जितना लिख दे उतना किलोमीटर समझ जाइए कि आगे पेट्रोल पंप है तो ये इंफॉर्मेशन आपको देता है कि आगे पेट्रोल पंप है आप अपनी गाड़ी को तेल भरवाना चाहते हैं तो आगे भरवा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल दिस आई इंडिकेट दैट द देयर इज ए हॉस्पिटल नियर बाय द ड्राइवर शुड बी केयरफुल वाइल्ड ड्राइविंग थ्रू दिस स्ट्रेस एंड शुड नॉट हॉन्ग अन यानी कि ड्राइवर को जब ये चिन्ह दिख जाए तो उसको पता चल जाना चाहिए कि सामने या इसके आसपास या कुछ दूरी पर हॉस्पिटल है तो अननेसेसरी तो पहले वहाँ हॉर्न बजाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं किस तरह के पेशेंट होंगे ये जानना संभव नहीं है लेकिन हॉस्पिटल के पास हॉर्न बजाना अलाउ नहीं होता है यह अच्छी इंगित करता है कि आपके आसपास कोई अस्पताल है इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और आवश्यकता रूप से हार नहीं बजाना चाहिए अनावश्यक रूप से हार नहीं बजाना चाहिए यानी बिना जरूरी के हार ना बजाय जब ऐसी कंडीशन आ जाए तभी आप हार बना बजाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट एड पोस्ट यानी प्राथमिक उपचार केंद्र देयर इज अ फर्स्ट एड फैसिलिटी नियर बाई विच इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ इमरजेंसी और क्राइसिस दीज साइन आर नॉर्मली इरेक्टेड ऑन हाई वे एंड रूलर रूड यानी ये साइन आपको ये दर्शाता है इसमें सिर्फ प्लस का साइन दिया हुआ है ब्लू कलर के रेक्टेंगल में वाइट बॉर्डर के साथ आपका यानी एक तरह से हॉस्पिटल में जो आप यूज करते हैं साइन वही है तो यहाँ पे सिर्फ प्राथमिक उपचार रहता है तो ये बहुत ही अहम किरदार निभाता है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है उनको उनके लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है जैसे हम मैंने आपको मोटर वहीकिल एक्ट में बताया है क्या बताया है कि एक्सीडेंट होने के बाद का एक घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है और वो गोल्डन आवर उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और पूरी तरह से उसको स्वस्थ भी कर सकता है तो इसलिए जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो उसके लिए एक्सीडेंट होने के बाद का एक घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गोल्डन आवर किसे कहते हैं तो फर्स्ट एड अगर उस एक घंटे के अंदर कितना भी हैवी इंजरी हो व्यक्ति को यदि उसे फर्स्ट एड ही मिल जाए तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है उसकी जीवन भी बच सकती है और वो अच्छे कंडीशन में भी आ सकता है तो ये ये उस व्यक्ति के लिए जिसकी इमरजेंसी केस हो या फिर एक्सीडेंट हुआ हो तो उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इसलिए ये फर्स्ट एड आपको जगह जगह पे रोड किनारे आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईटिंग प्लेस यानी भोजन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है 500 मीटर यानी ये बोर्ड साइन जहाँ भी दिख जाए इस पर लिख दे जितना डिस्टेंस यानी बोर्ड साइन के डिस् बुड साइन जहाँ पे है उससे 500 मीटर दूर क्या है आपका होटल हो सकता है ढाबा हो सकता है यानी खाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है वो चाहे ढाबा हो होटल हो फाइव तो स्टार टू स्टार थ्री स्टार या फिर एक ढाबा हो या फिर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी हो सकता है यह चीन इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है आमतौर पर राजमार्ग और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखना देखा जा सकता है तो लंबी दूरी की जो सड़कें हैं जिस बड़ी नेशनल हाईवे हैं, उस पर ये चिन्ह देखते हैं तो ये जितने भी आपने ब्लू कलर में देखे सभी आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इसको फॉलो करेंगे तो ठीक है नहीं फॉलो करेंगे आप सक, आपको आवश्यकता आप है जैसे आपको भोजन करना है तो आप उसको फॉलो वहां पर रुक कर अपना भोजन कर सकते हैं इसे कोई जब इमरजेंसी जरूरी नहीं है कि बस आपको बोर्ड दिख गया तो आपको उतर को खाना ही ये खाना है तो ऐसे कोई कंपलसरी चीज़ें नहीं है बस ये इन्फॉर्मेशन है आपको इंफॉर्मेशन को फिर से मैं बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को रेक्टेंगल शेप में रहता है और उसका जो कलर होता है बॉर्डर वो ब्लू कलर का होता है नेक्स्ट पॉइंट है लाइट रिफ्रेशमेंट यानी चाय काफी की व्यवस्था हो सकती है दिस साइन जिस तरह के साइन है इस टी टी का साइन दिख रहा है आपको कप प्याली का यानी रिफ्रेशमेंट यानी कि हल्के फुल्के नाश्ते चाय काफी की व्यवस्था जहां होगी वहां इस तरह के साइन बोर्ड आपको मिले यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पहार की सुविधा है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं विश्राम स्थल यानी रेस्टिंग प्लेस ये भी आपको बता देगा कि आसपास क्या है कोई विश्राम स्थल है यानी कि आप एक तरह होटल हो सकता है ढाबा हो सकता है बड़े होटल छोटे होटल इस तरह के हो सकते हैं वहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं सफ़र के दौरान या चिन्ह विराम के लिए मोटल लाज या अन्य विश्राम विश्राम ग्रह के नज़दीक लगाया जाता है राजमार्गों पर यह चिन्ह देखने जो लंबी दूरी के लिए जो जर्नी करते हैं जैसे गुड्स वहीकिल होते हैं या फिर कोई बहकिल से आ ही रहा है तो लंबी दूरी के लिए जो लोग जर्नी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बोर्ड कारगर साबित होता है उनके रिफ्रेशमेंट के लिए उनके आराम के लिए उनके इंफॉर्मेशन के लिए जैसे आमतौर पर टूरिस्ट इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो जैसे अपने देश के लोग ही दूसरे जगह जाते हैं घूमने फिरने इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल वो भी एक तरह से त्रिष्टि हैं या फिर दूसरे देश से आने वाले लोग विदेशी जो आते हैं तो इन साइनों का काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण महत्व होता है क्योंकि वो इस एरिया के बारे में कुछ जानते नहीं हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं तो इस, इस बोर्ड के माध्यम से वो अपना अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते हैं और उनको पूरा करने में ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.